ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ರಚನಾ ವಿಭಾಗದ ಪಾಠಗಳಾಗಬೇಕು ಯಾವ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ ಶೈಕ್ಷಿಕ ಅವಧಿ ದೋಹಜಾರ್ ಚೌಬೀಸ್ ಪಚ್ಚೀಸ್ಗೆಲ್ಲಿಯೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಯೋಜನ ಕಕ್ಷಾ ದಸ್ವಿ ವಿಷಯ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಸೊ ಮೈದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯ ಅವ್ರ ಪಾಠಶಾಲಾ ನಾಮಾಂಕನ್ ಆಂದೋಲನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ इन जून दल वे सीख तक अवधि हद् अदरली नैदानिक परीक्षा एक उपचारात्मक शिक्षण छ साफल्य परीक्षा एक मातृभूमि तीन कश्मीरी सेब तीन प्रेरणार्थक क्रिया एक और प्रश्न पत्रिकी की रूपरेखा की समझाने के लिए एक अवधि निर्धारित किया गया है और उसी के साथ ही क्रियाकलाप एक भी छात्रों को देनी है जुलाई माह में कुल उपलब्ध अवधियाँ अठारह गिल्लू पाठ के लिए चार अवधियां, पत्र रचना के लिए दो अभिनव मनुष्य पद्य के लिए दो अवधियां, मेरा बचपन गद्य पाठ के लिए चार अवधियां, प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप के लिए दो अवधि निर्धारित किया गया है संधि के लिए दो और साथ ही साथ पूरक वाचन शनि सबसे सुंदर ग्रह के लिए भी दो अवधि निर्धारित किया गया है और जुलाई माह में क्रियाकलाप दो को सौंपाना है इसी के साथ इस महीने के तीसरे हफ्ते में प्रथम रचनात्मक का आकलन भी किया जाता है आगे चलेंगे अगला माह है अगस्त और कुल वहाँ पर उपलब्ध अवधियाँ मिलेंगी अठारह बसंत की सच्चाई गद्यपाठ के लिए चार अवधियाँ निर्धारित किया गया है तुलसी के दोहे के लिए तीन चिन्ह व्याकरण के लिए दो अवधियाँ इंटरनेट क्रांति पाठ के लिए पाँच अवधिया समास व्याकरण प्रकरण के लिए दो अवधियाँ साथ ही साथ पूरक वाचन सत्य की महिमा के लिए दो अवधियां निर्धारित किया गया है और अगस्त माह में क्रियाकलाप तीन को भी देना है और आगे है सितंबर माह में कुल यहाँ पर उपलब्ध अवधियां मिलेगी चौदह इसमें ईमानदारों के सम्मेलन में गद्य पाठ के लिए चार अवधियां द्वितीय रचनात्मक आकलन संबंधी क्रियाकलाप के लिए दो अवधियाँ निबंध रचना इसमें मेरे प्रिय राष्ट्र नेता जनसंख्या की समस्या और नारी तुम केवल श्रद्धा हो इन विषयों पर निबंध रचना के लिए समझाना है और यहाँ पर निर्धारित किया गया अवधियाँ है दो और पूरक वाचन नागरिक के कर्तव्य के लिए दो अवधियाँ है और साथ ही साथ प्रथम संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए चार अवधियाँ निर्धारित किया गया है साथ ही साथ क्रियाकलाप चार को सौंपाना है यानी सितंबर माह के दूसरे हफ्ते में द्वितीय रचनात्मक मूल्यांकन और चौथे हफ्ते में प्रथम संकलनात्मक मूल्यांकन का आकलन किया जाता है अक्टूबर माह में मिलेंगे कुल आठ उपलब्ध अवधियां और उसी आठ अवधिया में पुनर्मनन और साथ ही साथ व्याकरण में काल के बारे में समझाना है नवंबर माह में कुल उपलब्ध अवधियां चौदह दुनिया में पहला मकान गद्यपाठ के लिए पाँच अवधियां, समय की पहचान पद्यपाठ के लिए तीन अवधियां, कहावतें और अनेक शब्दों के लिए एकल शब्द के लिए एक अवधि और रोबोट गद्यपाठ के लिए पाँच अवधियां निर्धारित किया गया है साथ ही साथ क्रियाकलाप पाँच को भी बच्चों के लिए देना है दिसंबर में कुल उपलब्ध अवधियां सोलह महिला की गद्य गद्यपाठ के लिए पाँच अवधियाँ पद्य पद्यपाठ के लिए तीन अवधियां कर्नाटक संपदा गद्यपाठ के लिए चार अवधियां कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती पाठ के लिए दो अवधियाँ तृतीय रचनात्मक आकलन से संबंधित क्रियाकलाप के लिए दो अवधियाँ निर्धारित किया गया है साथ ही साथ छठा क्रियाकलाप बच्चों को देनी है यानी दिसंबर के चौथे हफ्ते में हफ्ते में तृतीय रचनात्मक का आकलन किया जाता है आगे है जनवरी 2025 में कुल उपलब्ध अवधियाँ मिलेगी अठारह उसमें बाल शक्ति पाठ के लिए चार अवधियाँ निबंधों की रूपरेखा को समझाना है साथ ही साथ इंटरनेट क्रांति प्रगतिशील राज्य कर्नाटक आदि विषयों के बारे में निबंध लिखवाना है दो अवधियाँ निर्धारित किया गया है और अपटित गद्यांश एवं अनुवाद के लिए एक अवधि चतुर्थ रचनात्मक मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप के लिए दो अवधि कारक व्याकरण है की की का प्रयोग के बारे में भी दो अवधियाँ निर्धारित किया गया है यानी जनवरी के चौथे हफ्ते में चतुर्थ रचनात्मक मूल्यांकन का एस कार्रवाई करनी है साथ ही साथ पुनर्मनन और क्रियाकलाप के लिए पाँच अवधियाँ भी दी गई है और नवंबर 2025 में चौदह निर्धार उपलब्ध अवधियाँ है और उसी में से पुनर्मनन क्रियाकलाप और प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए चौदह अवधियाँ निर्धारित किया गया है और बच्चे आठवां क्रियाकलापों को सौंपाना है यानी प्रारंभिक परीक्षा यानी आपके लिए सीरीज एग्जाम भी शुरुआत होगी मार्च 2025 में उपलब्ध अवधियाँ होगी सत्रह और उसमें पुनरावलोकन कार्य के लिए तेरह होगी और वार्षिक परीक्षा आगे होने वाली है उसी उसी पर भी आपको चार अवधियाँ निर्धारित की गई है और अप्रैल 2025 में बचे रहे पांच उपलब्ध अवधिया में आपको ये वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित किया गई है सो इष्टित तो एस एस एल सी हिंदी अली वार्षिक पाठक हंचिकेना ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಹಿತ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬ ಬಾಯ್